आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इवनिंग रूटीन। आज मैंने दोपहर को खाना नहीं बनाया था क्योंकि मैं कपड़े धोने लग गई थी, तो अब मैं शाम में खाना बनाने लगी हूँ। आज मैं खाने में बनाने लगी हूँ कढ़ी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह कढ़ी बनाती हूँ। सबसे पहले एक मैंने ले लिया खाली बाउल और उसके अंदर दही डालती हूँ। तकरीबन 1 पाव दही आप डाल लें। आपका अपने घर का हिसाब है कि आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स होते हैं, आप उस हिसाब से बनाएं। मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। और इसमें अब मैं तकरीबन आधा किलो दही में ना मैं तकरीबन 1 पाव बेसन डालूंगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसमें डाल दूंगी पानी और इन सब को अच्छे से कर लूंगी मिक्स। आप चाहें तो अपने ब्लेंडर में डालकर भी इसको कर सकते हैं, बस ये है कि गुठलियां ना बने, बस हमें इतना अच्छा मिक्स करना होता है इसको। लोग कढ़ी अलग अलग स्टाइल में बनाते हैं, लेकिन मैं आज जिस स्टाइल में बना रही हूँ वो मैं मसाला भून कर बनाऊंगी। उसके लिए मैंने ले लिया ऑयल और ऑयल में मैं डाल रही हूँ प्याज। बाज लोग सारे दही और बेसन को मिक्स करके उसमें सारे मसाले वगैरह डाल के यूं रख देते हैं और कढ़ी कटती रहती है, उस तरह से भी बना लेते हैं, लेकिन मुझे ये मसाले वाली कढ़ी ज्यादा अच्छी लगती है। मुझे लगता है इसमें फ्लेवर ज्यादा आता है। चलें अब आगे जब प्याज हमारा फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे किस तरह मैं कढ़ी बनाती हूँ। प्याज हो गया है फ्राई, अब उसमें मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर और 2 ही चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें डालते हैं मसाले। 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, 2 ही चम्मच मैं डाल रही हूँ सुर्ख मिर्च क्योंकि जरा करारी सी कढ़ी बनाते हैं, 1.5 चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच भर के हल्दी का डालेंगे कि इससे रंग आएगा कढ़ी में और मसाले को भूनते अच्छा सा। जब मसाला अच्छा सा भुना जाएगा तो उसमें डाल देंगे मिक्सचर जो अभी मैंने बनाया है दही और बेसन का। अच्छे सा करेंगे मिक्स। इस मिक्सचर को मैं अच्छे सा भून लूंगी क्योंकि जो बेसन का कच्चापन है वो खत्म हो जाए, और फिर मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी और तकरीबन 1 घंटा हल्की आंच पर रख दूंगी ताकि कढ़ी अच्छे से पक जाए। ये देखिए अच्छा सा बेसन भुना गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। बेसन भूनने से ये होता है कि कढ़ी आपकी बहुत जल्दी पक जाती है, आपको इतनी देर चूल्हे पर रखने की जरूरत नहीं पड़ती, बेसन का कच्चापन जो होता है वो खत्म हो जाता है। आप इस स्टाइल से कढ़ी बनाएं, आपकी 1 घंटे में कढ़ी बन जाएगी। अब जितनी देर में मेरी कढ़ी पकती है उतनी देर में मैं पकौड़ों की तैयारी कर लेती हूँ। और इधर हो रही है पकौड़ों की तैयारी। इधर मैंने बेसन ले लिया, बेसन के अंदर नमक सुर्ख मिर्च जीरा सूखा धनिया हल्दी मिक्स कर ली है और इधर ही साथ ही मैंने कटिंग करके सब चीजें रख ली है। प्याज है, आलू है, पालक है और क्या है, प्याज बंद गोभी है, मैं भूल गई थी, और बंद गोभी है। इन सब को मैंने काट लिया है और अब हम इन सब को मिक्स करेंगे। एमन तुम करो मिक्स। ये इन सब को आपस में मिक्स कर देंगे, साथ कढ़ी भी बन रही है और पकोड़े भी बन रहे हैं, साथ चाय बनाते हैं, शाम की चाय के साथ पकोड़े भी खाते हैं और 2 in 1 काम हो जाएगा हमारे। कढ़ी भी बन जाएगी पकोड़ों वाली और साथ हमारी शाम की चाय में के लिए पकोड़े भी बन जाएंगे। वो कर लो अच्छा सा मिक्स। इसमें 2 चम्मच दही के भी डाल लो ताकि पकोड़े अच्छे बने। यूं ही डाल देती हूँ।
चलो क्रिस्पी से पकोड़े बने। और इधर मैं दिखाती हूँ आपको कड़ी की सूरत हाल। अच्छे टाइम पे देख रही, वरना अभी सारा कुछ इससे उबल के बाहर आ जाना था। होने वाला है इसमें इसमें मैं डाल रही हूँ दड़ा मिर्च। एक चम्मच जीरा को थोड़ा सा हला लेते हैं। और जब चूल्हा बंद करने लगेंगे ना, तब मैं इसमें थोड़ी सी सूख मिर्च डाल दूंगी, ताकि प्यारी सी खरी बन उसके ऊपर आ जाए। ऑयल की डाल दूंगी थोड़ी सी सूख मिर्च। एक तरफ हमारा तड़का बन रहा है, तो दूसरी तरफ जो पकोड़े मैंने फ्राई किए हैं वो मैं डाल देती हूँ कढ़ी के अंदर सारे। हो गया है तड़का तैयार, और अब जा रहा है कढ़ी के अंदर हमारा तड़का। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए कपकेक्स। कपकेक तो मैंने पहले ही बनाने थे चाय पर, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कढ़ी बनाने लगी थी, तो फिर मैंने उसके बाद कपकेक बनाए। कपकेक बनाने के लिए मैंने लिए दो अंडे, और दोनों अंडों को मैं अच्छे से बीट कर रही हूँ। और इसको आप इतना अच्छा बीट करना है कि ये अंडे फूल कर अपनी मिकदार से ज़्यादा हो जाए, और फिर उसके बाद उसमें डलेगा एक कप चीनी, और फिर चीनी और अंडों को हमें अच्छा सा बीट करना है। ये इतना बीट करना है कि ये अपनी शक्ल चेंज कर ले, और अंडे और जो चीनी है ना वाइट कलर के मिक्सचर में आ जाए। और फिर इसके अंदर 1/4 कप ऑयल जाएगा, और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा बीट करेंगे। ये सब हमारा लिक्विड मिक्सचर है, लिक्विड मिक्सचर को हम अच्छे से बीट कर लेंगे। और फिर एक अलग सा बाउल लेंगे, उसमें हम ड्राई मिक्सचर अपना तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है।
और एक कप आधा कप मैंने कोको पाउडर लिया है, और इसको आपने स्ट्रेनर में डालकर अच्छे से हलाना है, और ताकि जो ये तो इसके बहुत अंदर अच्छा लम्स वगैरह है वो सारे ऊपर रह जाएं, स्ट्रेनर में रह जाएं, और मिक्सचर में बिल्कुल सही मैदा और ये कोको बहुत पाउडर अच्छा अच्छा सा लगा। मिक्स हो जाए। और इसमें जाएगा 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच वन आधा चम्मच इसमें जाएगा नमक, और इन तमाम चीज़ों को फिर से हम अच्छी तरह स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। और अब ये तमाम मिक्सचर को हम अपने लिक्विड मिक्सचर के अंदर मिक्स कर देंगे, और साथ आधा कप दूध डाल लेंगे, और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके बाद मैंने फ्रिज में से वो तमाम चीज़ें ले ली जिसमें चॉकलेट चिप्स, वाइट चॉकलेट चिप्स भी थे, डार्क चॉकलेट चिप्स थे, और स्प्रिंकल्स थे, बंटीज थी जो मैंने कपकेक्स के ऊपर लगाना था। कपकेक के लिए ट्रे ली और उसके अंदर मैंने कपकेक का कवर लगाए, और फिर उसमें सारे मिक्सचर डाल दिए, और फिर जिस कुछ कपकेक्स के ऊपर मैंने बंटीज लगाई, कुछ के ऊपर ब्लैक और कुछ के ऊपर डार्क चॉकलेट के चोको चिप्स रखे, कुछ पर स्प्रिंकल्स रखे, और फिर आपने जब इनको डाल लेना, फिर आपने इस तरह इनको टैप करना है ताकि इनके अंदर जितनी एयर है वो निकल जाए। और मैंने तो कपकेक्स जो हैं वो पतीली के अंदर बनाए, अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में भी बना लें, तो और लेकिन पतीली के अंदर भी बहुत अच्छे कपकेक्स बने थे। जब आप ये मिक्सचर तैयार करने लगे, आप एक पतीली चूल्हे पर रख दें, उसको प्री हीट कर लें, जितनी देर में आपका मिक्सचर तैयार हो जाएगा उतनी देर में पतीली भी प्री हीट हो जाएगी। और फिर ये देखिए मैंने पतीली के अंदर रख दी है ट्रे को, और इसको कम से कम 45 मिनट्स लगते हैं कपकेक्स बनने में, और ये फिर मैं आपको दिखा रही हूँ 45 मिनट्स के बाद हमारे कपकेक बन के तैयार है। आप भी बनाया करें बच्चों के लिए, मैं तो बना के रख देती हूँ हसन के लिए, क्योंकि सुबह लंच में हसन को देती हूँ तो हसन ज़्यादा शौक से कपकेक खाता है, साथ सैंडविच ले जाता है, साथ कपकेक ले जाता है, और वैसे भी घर में बने हो तो बच्चे आराम से निकाल के खाते रहते हैं। अपना डिनर बहुत मजे की कढ़ी चावल पके हैं, आप भी मेरे तरीके से बनाएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स तो लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।